अक्सर नौजवान अपने गलत दोस्तों की कंपनी की वजह से नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, खुद पर अनगिनत प्रेशर्स की वजह से नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक सेहतमंद और पॉजिटिव पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है। यार मोटे, यार ये एचएस के चैनल ने हर तरफ दहशत फैलाई हुई। हाँ यार, इंसान किसी कोने में बैठ के अब तो लूज टॉक भी नहीं कर सकता, सब एक दूसरे को मशकूक अंदाज से देखते हैं। यार मेरी समझ में नहीं आता, ये इतनी क्लियर रिकॉर्डिंग कर कैसे लेते हैं? जरूर जरूर हमारे बीच में कोई गद्दार छुपा हुआ है। अकबर अकबर मेरा दोस्त, यार फहद के जाने के बाद तो तू गायब ही हो गया भाई। नहीं यार, वो बस जरा काम है, पता ही है सर। आपकी खिदमत ज्यादा ही कर रहे हो, इतनी खिदमत तो बादशाह जहांगीर ने अपनी महबूबा नूर जहां की भी नहीं की। अच्छा छोड़ो, एक डंडे पे आते हैं। हाँ यार, लेकिन राजदारी के साथ। तो बदमाशों का एक टोला एक बदमाश के जाने के बाद एक नए बदमाश के लिए इलेक्शन करने के लिए जा रहा है। शायद जंगल में भी कोई मेल वैशी जानवर अपनी फीमेल जानवर के बारे में इतनी हकारत नहीं रखता होगा जितने कि हमारे मेल फेलोज हमारे बारे में रखते हैं। शेम ऑन यू। ये कौन लोग हैं, कुछ पता चला? अभी तक पता तो नहीं चल सका, मगर पता चल जाएगा। हैं तो हमारे स्टूडेंट्स, मगर शायद बाहर से उन्हें कोई गाइड कर रहा है। हमारा राइवल ग्रुप, ये तो नहीं कहा जा सकता सर। डू यू सस्पेक्ट एनीथिंग मिस्टर फीसा? मुश्किल है सर। हदीका कुरैशी का कोई ताल्लुक हो सकता है इससे? हदीका? आई डोंट थिंक सो सर। वो बेचारी तो आजकल बहुत चुप चुप रहती है और ज्यादा नजर भी नहीं आती। वैसे इनकी कॉज अच्छी है, लेकिन इससे स्कूल का इमेज खराब हो रहा है और हमारे राइवल बिजनेस ग्रुप को फायदा होता है। एग्जैक्टली, वेरी इंटेलिजेंट। हेलो, दो दिन से कहाँ गायब हो? कभी तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है, कभी बिजी जाता है, आखिर तुम हो कहाँ? उस रात के बाद तो तुमने मुझसे बात भी नहीं की। इट्स द मैटर? हाँ बस कुछ बिजी था इसीलिए तुम्हें फोन नहीं कर सकता। बोलो, इसकी कौन सी मसरूफियत थी? फोन भी रिसीव नहीं कर सकते थे? हाँ, वो नजमा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी के साथ था मैं। नजमा? कौन नजमा? नजमा मेरी बहन, मेरी इकलौती बहन। तुम्हारी एक बहन भी है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया, कहाँ है वो? नजमा इस टाइम हॉस्पिटल में और साइकेट्रिक वार्ड में। सुना तुमने? तुम्हारी एक बहन है जो साइकेट्रिक वार्ड में है, उसे पता भी नहीं? तुम कहोगे तुम्हारी एक माँ भी है? हाँ माँ भी है। Oh my God, I'm totally confused. तो तुम मुझसे पहले झूठ बोल रहे थे, आप बोल रहे हो। एनीवेज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, बहुत जरूरी, फोन भी नहीं हो सकती। से मिलो 3 बजे। ओके 3 बजे। ये देखो, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। और ये वाली देखो, इसकी थीम समझ में आ रही है? और ये देखो, ये सब पेंटिंग्स मैंने बनाई है, कैसी लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक एग्जीबिशन तो बनती है। क्या? जी कदूसी साहब, आपके लिए एक शो रेडी है। जी
Really? फैसल है, फैसल। तो तुम्हारा मतलब है आज तक हमारे बीच जो ताल्लुक था सब एक धोखा था, फरेब, तुम्हारी साजिश का हिस्सा था। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो तुमने ये जाल इसलिए बिछाया ताकि तुम अपनी बहन का बदला ले सको जिसे मेरे भाई ने धोखा दिया था। धोखा नहीं, बर्बाद किया था तुम्हारे भाई ने, पूरी दुनिया के आगे बदनाम किया था, ब्लैकमेल किया था तुम्हारे भाई ने, रुस्वा किया था तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को, हत्ता कि वो अपना जहनी तवाजन भी खो बैठी है और 2 साल से चुप है, बिल्कुल चुप। देखो उधर, देखो उसे। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करके फहद से बदला लेना चाह रहे हो, पूछ सकती हूं कैसे? हाँ, वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करेगा हर एक उस लड़की से जिसे उसने रुस्वा किया, जिसे बदनाम किया, ब्लैकमेल किया, जिसे सबके सामने उनसे माफी मांगेगा और अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ेगा उसे, और हाँ, तौबा का ऐलान भी करना पड़ेगा उसे। और जब तक मेरी बहन मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती, उसके अखराजात भी वही उठाएगा। सुन लिया तुमने? ना तुम मुझे जानते हो, ना मेरे भाई को, ना वो कुछ ऐसा करेगा और ना मैं उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहूंगी। मैं तुम्हें भी जान चुका हूं और तुम्हारे भाई को भी, इसलिए मैंने उस कैमरे से, जानती हो किस कैमरे से, जिससे तुम्हारा भाई विक्टिम्स की रिकॉर्डिंग करके उन्हें जलील किया करता था, और हाँ, उस रात मैंने उसी कैमरे से तुम्हारी और अपनी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। तुम तक कैसे गिर सकते? गिर चुका हूं, मगर इतना भी नहीं जितना तुम्हारा भाई फाहद गिरा हुआ। और हाँ, ये तस्वीरें नेट पे रिलीज करने से पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, देखो इसे। धोखेबाज इंसान, ने तुम पे भरोसा किया, तुमसे प्यार किया और तुमने? कभी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। मैं तो एक एक पल इंतकाम की आग में जलता रहा हूं इस शहर का, और मेरे सामने मेरी खामोश बहन का चेहरा रहा है हमेशा, और आज मैं इस काबिल हो गया हूं, आज इस काबिल हो गया हूं कि उसका बदला ले सकूं। मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूं मिस चार का, ताकि तुम अपने भाई से तौबा करवा सको, माफी मंगवा सको, और मेरी बहन को तो ये मौका भी नहीं मिला। तुम चाहते क्या हो धोखेबाज इंसान? सिर्फ 3 रोज के अंदर शारका, सिर्फ 3 रोज के अंदर फहद अपने विक्टिम से सबके सामने खुलेआम माफी मांगेगा। अगर उसने ऐसा ना किया या तुम उससे ऐसा ना करवा सकी, तो ये सारी तस्वीरें और इससे भी दिलचस्प रिकॉर्डिंग्स पूरी दुनिया देखेगी मिस शारका। ये इंसाफ दिला रहे हो? जिन्हें अपनी बहनों से मोहब्बत होती है वो दूसरों की बहनों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करते।
मैं किससे कहूँ। मैं किससे कहूँ। 71, 72, 73, 74। एक बात करनी थी नूर। बोलो। क्या अब मेरी प्रमोशन हो सकती है? क्या मतलब? मतलब दोस्त से अच्छा दोस्त। वो तो तुम हो फिर भी। मेरा मतलब था खास दोस्त। शर्त याद है? हाँ, और पूरी तैयारी करके आए। ठीक है, तो थोड़े और पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो? मैं और उन लड़कियों से माफी मांगू? आर यू इन योर सेंसेस? नो, फहद इकबाल कभी किसी से माफी नहीं मांगता। आपको ऐसा करना होगा वरना बहुत बुरा होगा, मेरे लिए, आपके लिए और हमारी फैमिली के लिए। तुम मेरी बहन हो क्या? मुझे धमकी दे रही हो? मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने किया है उसको मान ले। शालका, क्या तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है? देखो, अगर ऐसा है ना तो बता दो मुझे, क्योंकि अगर ऐसा है तो खुदा की कसम मैं तुम दोनों को मार दूंगा। कौन है? कौन है वो? वो नजमा का भाई। फैसल है ना? अगर उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब करके मुझे ह्यूमिलेट कर सकता है तो वो गलत सोच रहा है। नंबर क्या है उसका? है? फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। फैसल, मैं फहद बात कर रहा हूं। जब भी तू ये मशीन सुनेगा ना तो एक बात समझ जाए कि तू जहां पे भी है पहले मैं तुझे ढूंढूंगा, फिर मैं तुझे मारूंगा, और इतना मारूंगा ना साले कि तू मर जाएगा। तू अगर समझता है ना कि तू मुझे या मेरी बहन को ब्लैकमेल कर सकता है तो गलत सोच रहा है, क्योंकि एक बात शायद तू भूल गया फैसल कि ब्लैकमेलरों का ना बाप हूं मैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई प्लीज, भाई मैं आपकी मेहनत है। मान छोड़ो मेरे। भाई प्लीज। मान छोड़ो। भाई प्लीज मान छोड़ो। भाई अपनी गलती मान लो। मान लो अपनी गलती।
मैं जानता था कि वो नहीं मानेगा। वो इंसान के रूप में एक शैतान है, दरिंदा है वो, और तुमने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है, और सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान रही हो। और हाँ, आज रात को वो तस्वीरें भी अपलोड हो जाएंगी। यकीन है मुझे कि तुम्हारे भाई के कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, अब आप घर जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं ठीक भी हो गई और पेंटर भी बन गई आपकी वजह से। वो तो तुम्हारा अपना टैलेंट था। अब मैं चलती हूँ, सामान की पैकिंग भी करनी है और जाने की तैयारी भी। तना सुना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। आई लव यू। मैं जानती हूं भाई, आप खुद को कभी नहीं बदलेंगे। आप इसी तरह लड़कियों को खिलौना समझते रहेंगे। अगर आपको इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि आप जो दूसरों की बहनों बेटियों के साथ करते हैं, अभी आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। से बर्दाश्त नहीं होता भाई, अब बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरी मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। शायद मेरे मरने के बाद आप सुधर जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। बॉडी को शिफ्ट कीजिए।
पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। तो तुम हो फहद इकबाल। तुम कल थाने तशरीफ ले आना। तुम्हें भी आया था? हाँ, बहुत डेस्परेट लग रही थी, माफी मांग रही थी रो रो कर। माफी किस बात की मांग रही? उस कमबख्त गुरु की तरफ से, उसे सब पता लग चुका है। कह रही थी कि वो तुम्हें भी फोन करेगी। SMS किया था बट मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बात कर लेती उस बेचारी से, उसका क्या कसूर है? है तो उस शैतान की बहन ना, क्या उसे नहीं पता होगा कि उसका भाई क्या करता फिर रहा? जब मुसीबत पड़ी है तो उसे हम लोग याद आ गए। जो भी है, बहुत डिस्टर्ब लग गई थी। हुआ था आई विश उस लड़की के साथ कुछ गलत हो। जब बहन के साथ बुरा होगा ना तो उसे एहसास होगा कि उसने कितनी लड़कियों के साथ कितना बुरा किया। मैं चाहती हूँ वो रोए बिलबिलाए और उसकी कोई सुनने वाला ना हो। लेकिन बहन का क्या कसूर है? उसने क्या किया है? उसकी सजा उसको क्यों मिले? उसको वक्त को ही उसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ सुना तुम लोगों ने? क्या हुआ? वफा की बहन थी ना चार का। हाँ हाँ, उसका फोन आया था कल शाम को। कल शाम? और कल रात उसने खुदकुशी कर ली।